हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पोएम 18 है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे अभी अपने धुन के सच्चे हैं, और वो अपने देश की महानता का जय जयकार करके हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। अभी हमने 15 चैप्टर में भी पढ़ा था ना, दो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कि कैसे रोहतांग दर्रा पार किया था। अभी ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे बड़े काम नहीं कर सकते, छोटे बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं। और ये पोएम है छोटे छोटे बच्चे के बारे में, वो अभी बड़े हो करके अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जो हम कैसे बच्चे हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम ना हमारी उम्र है वो नादान है, पर हम अपनी धुन के सच्चे हैं। मतलब हम जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी धुन के बहुत पक्के हैं। जननी की जय जय गाएंगे, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, हम अपनी मातृभूमि की जय जय करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम अपना प्रण, हमने जो डिसीजन लिया है, हमने अपने देश के लिए कुछ करने के लिए हमने जो नक्की किया है, डिसाइड किया है, वो हम करके ही रहेंगे। और हिम्मत से हम नाता जोड़ेंगे, हम कभी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए डरेंगे नहीं। आपको पता है कि हम सरहद पर कितने से नौजवान हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, और कितने तो अपने जान भी गंवा कर भी हमारी रक्षा करते हैं। उसी तरह हम भी एक दिन हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हम अपने देश का नाम लिख करके हम ऐसा महान काम करेंगे कि हम हिमालय पर भी चढ़कर हम अपना देश की जय जयकार करेंगे और अपने देश की ध्वजा को लहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भी चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम कभी भय नहीं रखेंगे। कभी भी कोई बात के लिए हम डरेंगे नहीं, एकदम से हिम्मत से हर बात का हम सामना करेंगे, और हम अपनी मातृभूमि की जय जय करके हमारे देश की हम रक्षा करेंगे और अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, अब भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपने सिर को अगर हमें काटना पड़े, कभी कटवाना पड़े, तो भी हम अपने देश के लिए हंसते हंसते हम अपनी जान भी दे देंगे। हम इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे देश की रक्षा करेंगे, हम अपनी धुन के सच्चे हैं, नादान उम्र के बच्चे हैं, पर हम अपना प्राण है वो कभी नहीं तोड़ेंगे, और हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम हिमगिरी पर भी चढ़ जाएंगे, और वहाँ पर जाकर हम अपने देश की जय जयकार करेंगे। और कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हमें अपने देश के लिए जान देनी पड़े, तो भी हम हंसते हंसते दे देंगे। चलिए बेटा, अभी आगे पढ़ते हैं। पोएम तो पूरी लिखनी है आपको, इसीलिए आपको ये इसके हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे, सिर्फ इसके मीनिंग्स लिखने हैं आपको। नन्हे मतलब बहुत प्यारे, बहुत छोटे, जननी माँ,
प्रण प्रतिज्ञा, नादान नासमस ध्वजा जो हमारे देश का झंडा होता है, और भय डर उम्र आयु पथ रास्ता हिमगिरी पर्वत, ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। नादान धुन ध्वजा हिम्मत हिमगिरी सोचिए और बताइए, और वे वो मैं अभी आपको लिख के भेज देती हूँ। हम निडर और साहसी बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? निडर और साहसी बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, क्या क्या करने के लिए नन्हे नन्हे बच्चे हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। कभी डरते नहीं हैं नन्हे बच्चे, इसे हम एक दो सेंटेंस इसमें लिखेंगे। चलिए अभी ये इसकी एमसीक्यू है। इस कविता में किसकी जय जयकार करने के लिए कहा है? जननी की। इस कविता में किससे नाता जोड़ने के लिए की कहा गया है? हिम्मत से, धुन से कि प्राण से? हिम्मत से। नन्हे नन्हे बच्चे कैसे हैं? नन्हे नन्हे बच्चे नादान और अपनी धुन के सच्चे हैं। अभी ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं इसके साथ आपको भेज देती हूँ। नन्हे बच्चे किस पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं? नन्हे नन्हे बच्चे हिमगिरी पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। अभी ये विलोम शब्द है, उसको सामने सामने आपको जोड़ना है। दिन रात, बड़ा छोटा, बन भुला, साहसी डरपोक, दयालु खुश, सॉरी दयालु निर्दयी, जो जिसमें दया नहीं हो वो निर्दयी है। ऑपोजिट वर्ड से दिन का दिवस होता है रात, बड़ा का छोटा, बंद का खुला, साहसी मतलब हिम्मती, और डरपोक मतलब डर जाने वाला, दयालु मतलब दया नहीं रखने वाला, और उदास मतलब उदास के साथ खुश होता है, और उदास के साथ खुश होता है। चलिए ये श बोलते समय आपके गले पर जोर दिया जाता है, और श बोलते स जो सब बोलते समय जीभ तालु से छूती है, जो दोनों श जो है ये जो बीच वाला कटता है वो श जो हम बोलते हैं तभी हमारे गले पर थोड़ा जोर देना पड़ता है, और श जब हम बोलते हैं तो आप देखो ये जीवा है जीभ है वो ऊपर तालु को टच करती है। ये दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स इधर हमें लिखने हैं। वर्षा, कृष्णा, कृषि और विषय दिया है। यहाँ पे वर्ष और षटकोण लिखना है। ईश्वर, शोर, शेर, शाम, शरारत, यहाँ पे हम लिखेंगे शानदार और शर्म। भाषा की बात है, सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो नेम की जगह जो यूज होते हैं वो सर्वनाम है, कि हो कोई भी नाम हो कि ये करता है वो करता है उसकी जगह उसने ये किया इसने ये किया उन्होंने ये करवाया, वो सब है, वो सर्वनाम होते हैं। तो इसमें जो सोएगा वो खोएगा, वो जो और सो है वो सर्वनाम है। मैं भी अपने देश की सेवा करूँगा, मैं है वो सर्वनाम है। मैं अपनी जगह नेम लिखूँ तो वो नाम होता है, और अगर मैं अपनी जगह मैं लिखूँ तो वो होता है सर्वनाम। होम मतलब कोई दो लोग बात कर रहे हैं, होम होम नन्हे नन्हे बच्चे है सर्वनाम है, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे अपना वो सर्वनाम है।
नन्हा नन्हे, सच्चा सच्चे, बच्चा बच्चे, बोलेगा बोलेंगे, छोड़ेगा छोड़ेंगे, छोड़ेगा छोड़ेंगे, छोड़ेगा छोड़ेंगे। ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको अभी भेज रही हूँ। ये पूरी टेक्स्ट बुक और CW में मुझे सब वर्क आपका कंप्लीट चाहिए। और थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी अभी आप करेंगे, थोड़े MCQ और आप अपनी ओर से तो थोड़ा थोड़ा तक करते ही होंगे। अभी आप रिवीजन बुक में रिवीजन चालू कर देना। तो दो दो मैं अभी देते जाऊंगी, दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर की MCQs और इसके ऑब्जेक्टिव, उसी तरह से हम रिवीजन करेंगे। और आप अपना और अपना अपना पेरेंट्स का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।